और अगर आपको बाकी सभी एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, क्लैट 2025 देना होगा। तो रेजिडेंशियल इश्यूज और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। प्लस हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम देखने वाले हैं एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरीके से आप इनको प्रेफर करते हैं यानी कि लिस्ट करते हैं उसी के हिसाब से आपको बाद में जाकर एनएलयूज मिलने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को हमें बहुत गौर से देखना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 आपके लिए इस रक्षाबंधन लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जहां पर आपको मिलने वाला है फ्लैट 82% ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स। और अगर आप महापैक लेते हैं तो वहां पर आपको 2x वैलिडिटी मिलने वाली है, यानी कि अगर महापैक की वैलिडिटी 5 मंथ्स थी तो अब आपको 10 मंथ्स के लिए वो मिलने वाली है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड DIMET यूज करना है। तो जल्दी से जाइए अड्डा 247 की वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर और अवेल कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड DIMET। और क्योंकि रक्षाबंधन है तो अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तो ये तोहफा आप खुद को दे सकते हैं, और अगर आपके भाई बहन कर रहे हैं तो ये तोहफा आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले व्हाट इज क्लैट। तो देखो क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हर साल कंडक्ट करवाता है कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। इस साल ये एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, जिससे कि आपको एडमिशन मिलेगा अगली साल। और यही रीजन है कि इस एग्जाम का नाम है क्लैट 2025। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी देना आपको बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी बच्चे अभी 12th में हैं वो इस एग्जाम को दिसंबर में दे सकते हैं, उनका एडमिशन अगले साल होने वाला है, जिससे कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। इस साल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एलिट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। सो एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे। और अगर आपको बाकी सभी एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, क्लैट 2025 देना होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि वो टॉप 10 एनएलयूज कौन से हैं एज पर NIRF रैंकिंग। ये NIRF रैंकिंग 2023 की है, यानी कि लेटेस्ट है, इस साल अभी आई नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है बैंगलोर, उसके बाद हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात, भोपाल, पटियाला, लखनऊ, रांची, असम और उड़ीसा, ठीक है। और ये आप यहाँ पर इनकी रैंकिंग दे सकते हैं। NIRF रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे दिया जाता है बहुत सारे क्राइटेरियाज को देखने के बाद। सो आई होप दिस इज क्लियर। और हमें क्यों, क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने चाहिए बिफोर चूजिंग कि हमें कौन सा एनएलयू पहले प्रेफर करना है कौन सा बाद में। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से पहला जो फैक्टर होता है वो ये कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था। जितना पुराना कॉलेज होगा आपको वहाँ पर उतनी ही अच्छी फैसिलिटीज मिलने वाली है, बिकॉज जो नए नए एनएलयू एस्टेब्लिश होते हैं उनके पास प्रॉपर कैंपस नहीं होता है। तो रेजिडेंशियल इशूज और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। प्लस जो फीस होती है वो नए एनएलयूज की बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज अभी उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन्हें बनाना है तो उन्हें फीस भी हाई रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या फैक्टर्स है जो आप देख सकते हैं, वो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फीस देख लेनी है, ठीक है। फिर आप देख लेंगे कि वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, कैंपस उनका पास परमानेंट है या नहीं है। उसके बाद हम उनकी लोकेशन भी देख लेंगे कि भाई उनके पास एकोमोडेशन के लिए हॉस्टल वगैरह है या नहीं है। अगर कैंपस होगा तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम लोग ने NIRF रैंकिंग तो अभी देख ही लिया, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन से एनएलयूज को आपको पहले प्रेफर करना है और कौन सों को बाद में। प्लस जो कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज BA LLB जो होता है वो हर एक एनएलयू में होता ही होता है, कंपल्सरीली होता है। बट लेट सपोज आपको BSc LLB करना है, तो ये जो कोर्स है ना वो हर एनएलयू प्रोवाइड नहीं करती है। तो आप पहले जाकर देखेंगे कि कौन सा एनएलयू कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कौन से कोर्स आपको लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाएंगे। सो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और रही बात प्लेसमेंट एंड ऑल की, तो ये सब थोड़ा सा बाद में आ जाते हैं ये सारे फैक्टर्स, बट जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा फैक्टर्स हैं वो यही है कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देख लो, कैंपस है या नहीं वो देख लो, वहां पर कौन से कोर्स मिल रहे हैं वो देख लो, ठीक है। दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ। अगर ये क्लियर है तो हम लोग जल्दी से चलकर अब देख लेते हैं कि वो टॉप 10 एनएलयूज कौन से हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रेफर करना है। मैंने यहाँ पर टॉप 10 के बारे में क्यों बात की है, बिकॉज जो उसके बाद आते हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। जो टॉप 10 होते हैं उसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक बार आपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक बार अगर आपने
एनएलयू असम, एनएलयू असम को फर्स्ट पे रख दिया, ठीक है। तो आपके क्लैट में कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाए, आपके मार्क्स अगर बेंगलोर जाने जितने भी आ जाएंगे, तब भी आपको सबसे पहले एनएलयू असम ही मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है हमें कितने सही ढंग से सही तरीके से भरनी है। और अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल किया है क्लैट का, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाइए और क्लैट के फॉर्म को फिल कर दीजिए। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे कि 15 अक्टूबर को लास्ट डेट है तो हम तभी जाकर फिल करेंगे। 15 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 15 अक्टूबर तक होने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और अपने फॉर्म को फिल करिए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं टॉप 10 एनएलयूज जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है बैंगलोर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद आ जाएगा हैदराबाद, देन वेस्ट बंगाल, देन एनएलयू जोधपुर जो कि है राजस्थान में, फिर है भोपाल, फिर आ जाता है आपका गांधीनगर यानी कि जी एनएलयू, देन कम्स लखनऊ, पंजाब, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके से अपनी जो पूरी प्रेफरेंस लिस्ट है उसको प्रेफर करेंगे। जो लास्ट के एनएलयूज होते हैं ना, जो टॉप 10 के बाद हैं, उसको आप खुद चूज कर सकते हैं कि लेट सपोज आपको घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आपके नियर बाय जो है आप उसे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डोमिसाइल है, एग्जाम्पल कि मैं राजस्थान से हूँ और मुझे जोधपुर में ही एडमिशन चाहिए, तो मैं जोधपुर को पहले प्रेफर कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये टॉप 10 थे आपके लिए। अगर आपको और भी कोई भी डाउट हो तो ये है मेरी ईमेल आईडी dimple.parekh@adda247.com। कोई भी क्वेरी हो आपको, तैयारी में कोई भी परेशानी हो, आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ये है मेरी ईमेल आईडी dimple.parekh@adda247.com। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।